ये खूबसूरत नजारा जो आप देख रहे हैं, ये कोई फॉरेन कंट्री नहीं बल्कि अपना ही देश है। ये है अंडमान, भारत। यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के नज़ारे आपको मंत्रमुग्ध करने के लिए काफी हैं। ऐसे ही नज़ारों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हे गाइज, सुबह के हो गए हैं 5 और आज तारीख है 21 दिसंबर 2023। आज हम जा रहे हैं सुबह सुबह मॉर्निंग 5 o'clock काला पत्थर बीच, तो हम वहाँ देखेंगे सनराइज और आपको भी दिखाएंगे सनराइज, इसलिए चलते हैं काला पत्थर बीच। काला पत्थर बीच सनराइज के लिए बहुत फेमस है। सूर्योदय देखने के लिए यहाँ बहुत सारे पर्यटक साल भर आते रहते हैं। ये बीच हैवलॉक जेटी से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हम नारियल पानी साथ में लेके घूम रहे हैं। पूरा सनराइज देखते देखते पीना है इसको। ये नरम सफेद रेत, क्रिस्टल क्लियर पानी और ये समुद्र की लहरों का गुनगुनाना, ऊपर से ये शानदार दृश्य, ऐसा लगता है ऊपर वाले ने इस प्राकृतिक सौंदर्य को बनाने में कोई कमी नहीं रखी है। ये दृश्य मन को शांत और सुकून देने के लिए पर्याप्त हैं। तो गाइज, अभी हम हैं काला पत्थर बीच पर और यह है समुद्र का वो नज़ारा, क्या ही भव्य शानदार नज़ारा है। अगर आप काला पत्थर बीच पर पानी के अंदर जाके खेलना चाहते हैं या फिर स्विमिंग करना चाहते हैं तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा, क्योंकि पानी के अंदर नुकीले शार्प पत्थर पाए जाते हैं जिससे आपको चोट लग सकती है। हे गाइस, देखो ये हिमानी को पानी से कितना डर लगता है, पानी को टच करने से भी डर लगता है। टच कर रही हूँ बोल रही है। समंदर, गाइज यहाँ काला पत्थर बीच, काला तो कुछ है ही नहीं, एक इस पत्थर को छोड़कर यहाँ काला कुछ नहीं है। बाकी सब यहाँ पत्थर दिखाता हूँ आपको, गोरे गोरे पत्थर आ रहे हैं। एक हिमानी भी गोरी है हमारी यहाँ, और ये छोटे छोटे पत्थर जो सफेद रंग के, देखो ये। ऐसा बताया जाता है कि इस बीच के आसपास के क्षेत्र में काली चट्टानें पाई जाती हैं। शायद ये काली चट्टानें वॉल्केनिक इरप्शन से बनी हों। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस बीच के आसपास के क्षेत्र में काली चट्टानों के होने के कारण ही इस बीच का नाम काला पत्थर रखा गया है। अगर आप शांत वातावरण चाहते हैं तो एक बार यहां आइए, कुछ देर एकांत में बैठिए या फिर कुछ अपनों के साथ समय बिताइए। मंत्र मुग्ध कर देने वाली लहरों और मनमोहक सूर्योदय को देखिए तो आप जानेंगे इससे बेहतरीन जगह जो मन को शांत कर दे शायद ही कहीं हो। सो गाइज, टाइम काफ़ी हो गया काला पत्थर बीच पर, सूरज तो पता नहीं कहाँ ऊपर पहुँच गया है, बहुत देर से यहाँ बैठे पड़े हैं हम। अब यहाँ से हम चलो अपने रूम की तरफ जाते हैं, उसके बाद हम देखेंगे स्कूबा डाइविंग का क्या करना है, कैसे करना है स्कूबा डाइविंग। तो और ये हमारे पीछे पत्थर देख रहे हैं, सब ये पत्थर नहीं, ये कोरल्स हैं। यहाँ बहुत सारे कोरल्स हैं, इधर को धीरे धीरे, यहाँ भी थोड़े बहुत हैं लेकिन इधर बहुत ज़्यादा है। ये है काला पत्थर बीच। फाइनली चलो अब चलते हैं हम अपने रूम की तरफ। हाँ, एक और चीज़, अभी हम यहाँ से शिशोर वॉक करके जा रहे हैं, ठीक है। चलो अभी हम यहाँ से समंदर का मज़ा लेते हुए चलते हैं शिशोर वॉक करते हुए। लगभग यहाँ से सब लोग जा चुके हैं और हम भी प्रस्थान करते हैं अपने रूम की तरफ। ओ शिट, बैग तो ही भूल रहा हूँ। बताओ, वो चप्पल उधर खोले हुए हैं, कुछ कहना? कुछ तो कहना नहीं है, पर क्या कहूँ। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। चलो अब हम चल,
थोड़ा उधर चलते हैं ना पानी के टच करते हुए। एक डर डर देखो उसको, डर कितना डर लग रहा है, देख रहे ना इसको। हाँ थोड़ा आगे जाओ तो, आओ थोड़ा सा आगे, पानी पे टच करना है। चलो तो गाइज अभी हम ही कुछ कोरल्स लेके अपने रूम की तरफ जा रहे हैं। जो आपके पत्थर दिख रहे हैं ना, ये सब कोरल्स हैं। इकट्ठा हो गया आपस में। सो गाइज अभी हम आ गए हैं काला पत्थर बीच से वापस अपने रिजॉर्ट पर। अब यहाँ से हमारा चेकआउट है, अभी 5-10 मिनट में चेकआउट करके हम जाएंगे दूसरे होटल में। एक्चुअली हमारा आज का दिन है वो किसी दूसरे होटल में है, वहाँ पर जाके हम आपको मिलते हैं फिर से। तो गाइज अभी हमारा चेकआउट हो गया है, अभी हम पहले स्कूबा डाइविंग के लिए जा रहे हैं, उसके बाद स्कूबा डाइविंग करने के बाद फिर हम दूसरे होटल में चेक इन करेंगे। अभी हम चलते हैं स्कूबा डाइविंग के लिए। स्कूबा डाइविंग पानी के नीचे डाइविंग का एक ऐसा तरीका है जिसमें पानी के नीचे समुद्र में मरीन लाइफ को आसानी से देखा जा सकता है। गाइस अभी हम आ गए हैं स्कूबा के लिए, इसके बाद हम क्या करेंगे? स्कूबा डाइविंग। चलो सर आप आ जाइए सर, आपका मेन। तो गाइस ये है हमारा स्कूबा डाइविंग का ड्रेस। स्कूबा डाइविंग, तो मुझे जलपरा बना दिया है। स्कूबा डाइविंग के लिए पहले हमें ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद हम जाएंगे पानी के अंदर। चलिए आ जाओ। तो कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत ही मजा आने वाला है, तो आप देखते रहिए हमारे साथ स्कूबा डाइविंग कैसे होती है आज। आप लोगों ने देखा तो होगा ही, फिर भी हम थोड़ा सा दिखाई देंगे आपको। अच्छा तो लग रहा है, मैं तो कह रहा हूँ कैमरामैन से आप भी चलो साथ में। कैमरामैन नहीं, मुझे नहीं करना, नहीं आएंगी। आप कर लोगे ना, मैं समझ लूंगी मैंने कर लिया। मैं खाना खाऊंगा कल से, समझ लूँ भूख तुम्हारी मिट गई। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके डन। Man in black. तो हम अभी पहुंच गए हैं समुद्र के किनारे और यहाँ पर हमारी ट्रेनिंग की जाएगी। ट्रेनिंग लेने के बाद हम जाएंगे स्कूबा डाइविंग। यहाँ स्कूबा डाइविंग करने वालों को भरमार पड़ी हुई है। अंडमान में बहुत सी जगहों पर स्कूबा डाइविंग की जाती है और हम स्कूबा डाइविंग हैवलॉक के गोविंद नगर बीच पर कर रहे हैं। तो गाइस अभी जा रहा हूं मैं पानी के अंदर, तो आप दूर से देखते रहिए ठीक है। Ready? Look there. Yeah, hello. Okay.
गाइज हम आ गए हैं स्कूबा डाइविंग करके। इसके क्लिप हम अपने व्लॉग में तो डाल ही देंगे, आप देख लेना। और कैसा फील हुआ? बेहतरीन, मजा ही आ गया। आपको आना चाहिए था लेकिन आप डर गए। बहुत मजा आया रियली। क्लिप आपको वीडियो में डाल देंगे हम, इसमें देखना। शानदार था, शानदार। चलो चलते हैं। अरे